यमुना की स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए रविवार 4 जून को गीता कॉलोनी सहित यमुना के अलग अलग घाटों पर मानव श्रृंखला कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत ने लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मकसद लोगों को यमुना के सफाई के प्रति जागरूक करना है, ऐसे में भारी तादाद में लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लें। कल रविवार दिनांक 4 जून 2023 को ये जो हमारी पवित्र यमुना मैया है, हम सब लोग जानते हैं ये वही पवित्र स्थान है जहां अपने अपने घरों से आकर हम पूजा पाठ भी किया करते थे और समय समय पर प्रसाद भी चढ़ाया करते थे और परिवार के सभी सदस्य यहां पर स्नान भी किया करते थे। लेकिन आज क्योंकि कल कारखानों से बड़े बड़े नालों से सारा का सारा पानी यमुना नदी में आता है तो यमुना की हालत बहुत ही बेकार हो गई है। अब यमुना मैया ने ये पुकार की है, हम सबको बुलाया है। यमुना मैया का ये कहना है कि मैंने बहुत दशकों से बहुत वर्षों से आप सबको पाला पोसा है, अपना पानी दिया है, लेकिन आज मेरा जीवन बिल्कुल नर्वस हो चुका है। इसको स्वच्छ करने के लिए और पब्लिक में जागरूकता करने के लिए ये अभियान है। तो 4 तारीख को यानी कल रविवार को हम सब लोग हजारों लाखों की संख्या में इकट्ठा होकर एक मानव श्रृंखला बनाएंगे ताकि इसका घर घर संदेश जा सकेगा और सभी लोग जागरूक होंगे। सरकारें भी अपने अपने काम में लगी हुई हैं लेकिन अभी वो नतीजा नहीं निकल के आ पा रहा है। हम सब ये मांग करते हैं सरकारों से कि यमुना को अविरल बिल्कुल सारे काम पूरी ताकत लगाकर इस यमुना मैया की, जिन्होंने हमें बुलाया है और कल 4 तारीख को लाखों की संख्या में हमें इकट्ठा होंगे, 8 घाट बना दिए गए वजीराबाद में, उस्मानपुर में, लोहा पुल पे, ये गीता कॉलोनी हम खड़े हैं, गीता कॉलोनी का पॉइंट नंबर 4 हमारा ये पॉइंट है, इसके बाद धोना आश्रम लगता है सामने, DND पे, ITO उधर कालिंदी कुंज तक हम सब लोग जाएंगे, एक मानव श्रृंखला बनाएंगे। सभी से निवेदन करते हैं इसके अंदर चाहे किसी भी महकमे में काम करने वाले लोगों, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, किसी राजनीति से विशेष संबंधित प्रोग्राम नहीं है, इसके अंदर एक आम नागरिक भी सब आमंत्रित हैं, चाहे वो अध्यापक हों या प्रोफेसर हों या किसी और अन्य व्यवसायी हों, सभी लीडर्स भी हों, हमारे ट्रेड यूनियन लीडर्स भी हों, कर्मचारी भी हों, सभी यहाँ पे आमंत्रित हैं, कल आएंगे और यमुना माई की सफाई के लिए ये जागरूकता अभियान बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यमुना माई की जय। यमुना माई की।